हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। सो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह सुबह मैंने आपके लिए व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि आज का पूरा दिन हमारा कुछ ऐसा जाने वाला है जो देख कर आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी यह व्लॉग बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा। सो मैंने सोचा सुबह से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चे मेरे अभी भी सोए हुए हैं, बेटी की क्लास शुरू हो चुकी है, लेकिन यह देर तक ये सोती है। सो इसीलिए इसको उठाना पड़ता है और बेटा मेरा उठ चुका है पहले ही, तो मैंने बेटे से बोला कि चल इसको उठा दे। अब ये कई तामझाम इसको उठाने के लिए कर तो रहा है लेकिन सभी विफल हो रहे हैं। तो इसने कई तरह से अपने तरीके आजमाए इसको उठाने के लिए, बट ये उठने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि काफ़ी गहरी नींद में थी। यहाँ पर ये इसको गुदगुदी कर रहा है। छोटे बच्चे ऐसे करते हुए कितना अच्छे लगते हैं। मेरा बेटा ऐसे गुदगुदी करके इसको जगा रहा है और सोच रहा है कि ऐसे इसको गुदगुदी होगी। हालांकि इसके छोटे छोटे से हाथ हैं, उससे उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे करके इसको उठा सकूं। तो यहाँ पर इसने काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद बेचारा हार कर बैठ गया। फिर कई तरह से और इसने तरकीबें अपनाई कि मैं इसको उठाऊँ और उठाकर इसकी क्लास ऑन करवाऊँ, क्योंकि क्लास इसकी चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सो इसकी क्लास स्टार्ट करवा देती हूँ मैं। मॉर्निंग में ही मैंने ज्वाइन तो कर ली थी क्योंकि ये इतनी जल्दी उठ नहीं पाती है, तो धीरे धीरे करके फिर इसको उठाते हैं और इसके पास ही मैं फ़ोन रख देती हूँ ताकि ये सुनती रहे और अपना काम समझती रहे। उसके बाद फिर जो होमवर्क में आता है फिर उसको दिन में बैठ कर ये करती है। सो बेटा वही कोशिश कर रहा है कि कैसे करके इसको उठाया जाए, किस तरह से उठाया जाए। बहरहाल कई कोशिशें करने के बावजूद यह उठ चुकी है और अब उठकर अपना हाथ मुंह धोने के बाद फिर अपनी क्लास ज्वाइन करेगी। बस क्लास करने के बाद फिर ये लोग फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद हम लोग कहीं गए थे। सो यहाँ का एक छोटा सा क्लिप भी मैंने आपके लिए किया है। यहाँ पे छत के ऊपर ये लोग खेल रहे हैं दोनों। खुली खुली जगह होती है तो बच्चों को अच्छा लगता है, इसीलिए खेलने लग जाते हैं। इसके बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। सो भिंडी मैंने ऐसे करके काटी है और आज स्पेशल भिंडी बना रही हूँ मैं आप सभी के लिए भी। शायद आपने ये सभी देखी होगी, ऐसे बनाई भी होगी, लेकिन मैं जो बना रही हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन की भिंडी, और बेसन की भिंडी के साथ मैं हरी मिर्च का स्वाद मुझे बहुत पसंद आता है। सो मैंने हरी मिर्च काट ली है और हरी मिर्च काट कर मैंने रख दी है, बेसन भी मैंने रख दिया है। बेसन के खाली 2 चम्मच ही सिर्फ आपको चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने तेल गर्म कर दिया, उसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा अपने स्वाद अनुसार जैसे आप तड़के में डालते हो वैसे ही डालना। इसके बाद जो हरी मिर्च है, हरी मिर्च को मैं इसमें डाल देती हूँ क्योंकि हरी मिर्च अगर तेल में ऐसे भुन जाती है ना तो बहुत अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है और पूरी सब्ज़ी में स्वाद आ जाता है। अगर हम तेज़ मिर्च नहीं भी करेंगे क्योंकि तीखी नहीं बनानी होती है बच्चों की वजह से, तो अगर ऐसे भी करके पहले तेल में डाल देंगे ना, कम भी डालेंगे तो भी उसकी भुनी भुनी सी जो खुशबू आती है, भीनी भीनी सी खुशबू आती है, सब्ज़ी में पूरी सब्ज़ी में स्वाद चेंज कर देती है और काफ़ी अच्छा लगता है उससे स्वाद। अब मैंने लिया है थोड़ा सा बेसन। बेसन यहाँ पर आप सिर्फ 2 चम्मच ही लीजिएगा। मेरी आधा किलो भिंडी है, आधा किलो भिंडी के साथ मैं सिर्फ इतना ले रही हूँ। तो ये ऐसे करने से भुन जाएगा। मैंने तेल में ही इसको डाल दिया है, पहले मैंने तड़का लगा दिया फिर मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन के साथ साथ जो मसाले हैं, जो मसाले नॉर्मली खाए जाते हैं सब्ज़ी में, वो सभी मैं डाल दूँगी। सो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया और नमक डाला है मैंने, अभी हल्दी डालूंगी मैं। बस ऐसे ही अपने स्वाद अनुसार नमक डालना है और जो मसाले आप डालते हो वो मसाले डालकर अच्छे से इसको भून लेना है। सो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बना रही हूँ आज तीखी, इसमें इसीलिए मैंने लाल मिर्च भी डाली है क्योंकि मुझे भिंडी जो है ना वो तीखी ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं बना रही हूँ खूब चटपटी वाली भिंडी। भिंडी ना अक्सर चटपटी ही पसंद आती है दोस्तों, आप भी बनाकर देखना। अगर आप थोड़ी सी तीखी मिर्च खाते हो ना तो भिंडी का स्वाद जो होता है ना चटपटे में और ज़्यादा निखर के आता है और बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि भिंडी सूखी होती है तो सूखी भिंडी के साथ में थोड़ा सा तरी वाला तो कुछ और सब्ज़ी अगर होगी तो बेस्ट है, नहीं तो खाली इसमें भी अगर आप रोटी खाओगे ना या फिर पराठा अगर आप खाओगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। एक बार बना करके ज़रूर देखना। मैं तो अक्सर बच्चों के लिए अगर बनानी होती है तो कभी कभी मैं कम मिर्च की भिंडी बना लेती हूँ, अच्छे से भून कर उसको फ्राई करके, बहुत अच्छी लगती है वो भी। बट जब मेरा मन करता है कि थोड़ा तीखापन चाहिए तब मैं बहुत अच्छी चटपटी सी भिंडी बनाती हूँ, तो सभी को पसंद आती है मेरे घर में। हालांकि बच्चे ज़्यादा नहीं खा पाते हैं पर मेरे को और मेरे हस्बैंड को और मेरे घर में भी बाकी अगर कोई और आया हुआ है तो उनको भी सभी को बहुत अच्छी लगती है ऐसी चटपटी भिंडी। सो यहीं पर मैं इसको भून रही हूँ। इसके साथ साथ जो है ना दोस्तों, एक फ़ायदा ये है कि बेसन भी भुन जाएगा और मसाले भी भुन जाएंगे। ये देखिए थोड़ी देर के बाद ही
इतना कम हो गया, पहले झाग झाग सा लग रहा होगा आपको, लेकिन अब ये जब भुन चुका है तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि अब बेसन भुन चुका है और मसाले भी इसके साथ साथ भुन चुके हैं। सो अब यहाँ पर आपको डाल देनी है भिंडी, और भिंडी को आपको तब तक अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये पूरा मसाला जो है ना अपने अंदर अब्जॉर्ब ना कर ले। भिंडी की क्वांटिटी दोस्तों कम होती है, तो मैंने ये आधा किलो भिंडी ली है, तो मेरी बहुत कम हो जाएगी इसकी क्वांटिटी, क्योंकि भुनने के बाद ना भिंडी सिकुड़ती है और काफ़ी कम हो जाती है। सो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंगली ये करना पड़ता है। दो जने के लिए आधा किलो भिंडी कम ही रह जाती है, हालांकि काटने पर तो ज़्यादा दिखती है, लेकिन जब बन के रेडी होता है होती है ना तो बहुत कम हो जाती है। सो मैंने यहाँ पर आँच तेज़ कर दी है, और तेज़ आँच करने के बाद मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी इसमें स्वाद अच्छे से आ पाता है। इसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको ढक के रख दो। थोड़ी देर ढक के रखने के बाद बस 5-7 मिनट के लिए ही, आपको 5-10 मिनट के लिए ही ढक के रखना है। तो देखिए कैसी भीनी भीनी सी खुशबू के साथ चटपटी भिंडी, करारी भिंडी तैयार है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये एक मॉल में मैं गई थी तो यहाँ पर बच्चों ने देखा था खिलौने की शॉप, सो मैंने ये कैप्चर कर लिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था ये मॉल देखने में भी, पूरा सुनसान हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कस्टमर नहीं आते हैं, कुछ ही कस्टमर्स हैं जो आते हैं। सो मैंने कैप्चर कर ली थी इसकी हल्की सी क्लिप। इसके बाद हम लोग गए थे मार्केट, तो मेरे यहाँ पर ना मार्केट लगती है। ये है ट्यूसडे मार्केट का व्लॉग, ट्यूसडे मार्केट की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। बाकी ये सारी वीडियोज़ ना मैंने मिक्स करके आपके लिए बनाई है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ट्यूसडे मार्केट, रिक्शे से हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने बाहर से ही स्टार्ट कर दिया था व्लॉग बनाना, क्योंकि आगे जाकर बहुत भीड़ होती है, और उस भीड़ में या तो शॉपिंग कर लो, या फिर बच्चे संभाल लो, या फिर वीडियो बना लो, उन सभी में से एक ही काम हो सकता है। सो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया कहीं फ़ोन गिर ना जाए, टूट ना जाए, तो इसीलिए मैंने पहले से ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देखती हूँ अगर आगे और बना पाई तो बनाऊँगी, स्टार्टिंग से तो फ़िलहाल मैंने बनाना शुरू कर दिया है। अगर मौका लगेगा तो मैं आगे भी बनाऊँगी। काफ़ी अच्छा यहाँ पर सामान मिल रहा था, बहुत अच्छा अच्छा सामान है। सो यहाँ हम लोग लेने के लिए गए थे, देख रहे थे कि कुछ अगर सही सा मिल जाता है, कुछ देखते हैं। यहाँ पर कपड़े वगैरह थे, क्रॉकरी थी, काफ़ी अच्छा अच्छा सामान है, क्योंकि ये ट्यूसडे मार्केट है, इसमें बहुत अच्छा सामान आता है। सो यही हम देखे, उसके बाद के वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी बाज़ार में। यहाँ पर बेटी को लेनी थी एक नई साइकिल, सो हम साइकिल वाली शॉप पर आ गए, और ये भैया साइकिल को जोड़ कर दे रहे हैं। न्यू साइकिल है इनके पास, नई साइकिल ये बना कर दे रहे हैं, क्योंकि बनी बनाई साइकिल सिर्फ एक ही सैंपल के तौर पर इनके पास रखी रहती है। सो ये यहाँ पर हम लोगों ने ऑरेंज कलर इसका फाइनल किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये अभी तैयार करके दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे हैं। बन के तैयार हो चुकी है, बेटी ने पहली बार साइकिल चलाई है, काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको भी। उससे चलाई तो नहीं जा रही थी, लेकिन अभी कोशिश कर रही है, तो ज़्यादा देर नहीं लगती है साइकिल चलाना सीखने में, क्योंकि मैंने ये 3 पहिए वाली ही सिलेक्ट करी थी। इससे क्या होता है ना, बच्चे आराम से संभल लेते हैं और सही से चला भी लेते हैं। सो काफ़ी खुश हो गई थी ये भी। और सो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा? आई होप आपको ठीक ठाक ही लगा होगा। लगा है अच्छा, तो ठीक लगा है तो भी एक लाइक कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।